बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आया हूं। ये आप देख रहे हैं प्रोफाइल पूरी ड्रा हुई हुई है सारी, इसके अंदर हमारे पास नीचे स्टेशन है, इसमें मिसर का एलिवेशन और इसमें इसी तरह डिज़ाइन एलिवेशन सारे मौजूद हैं। ऊपर हमारे पास सारी लाइंस वगैरह लगी हुई हैं सारी, इसके वर्टिकल कर्व्स वगैरह सारा कुछ, और इसका पूरा ग्रिड आपको देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। इसी तरह ऊपर आप देख रहे हैं कि कर्व्स इसकी लगी हुई है और पूरी डिटेल इसकी आ रही है, स्टेशन आ रहे हैं, इसका एलिवेशन आ रहा है, लेंथ आ रही है और ई की पूरी डिटेल आ रही है और साथ इसके ग्रेड्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये पूरी प्रोफाइल आपने जस्ट वन क्लिक के ज़रिए बनानी है। आपने कैसे बनानी है, आपने इधर एक्सेल के ऊपर आ जाना है और ये इसके अंदर हमने उसको बनाना है। तो ड्रा प्रोफाइल वर्टिकल कर्व एफ आर एल एन जी एल विद ऑटो लिप्स इन एक्सेल। तो ये हमारी जो कमांड बनेगी, ये जो प्रोफाइल बनेगी, ये हमारी ऑटो लिप्स के ऊपर बनेगी। ऑटो लिप्स की दो कमांड्स मैंने इधर रखी हुई है, एन जी एल और वी पी, इसका डिस्क्रिप्शन अंदर मैं लेकर रख दूंगा इस पूरे फोल्डर का, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक्सेल के ऊपर आके आपने जस्ट इधर से क्लिक करना है, ये प्लॉट टू प्रेस एंड प्लॉट टू कैड, तो ये आपने बटन को इधर से प्रेस करना है सिर्फ और ऑटो कैड को अपना ओपन कर लेना है। इधर से न्यू शीट के ऊपर आपने आना है, वो इधर कमांड बार में आपने इधर इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे आपकी वन क्लिक के ज़रिए कंप्लीट प्रोफाइल जो है ना आपकी एक से डेढ़ मिनट के अंदर अंदर सारी बन जाएगी, जितनी मर्जी लेंथ है इसके अंदर। इसको मैंने मैक्सिमम प्रोग्राम के ऊपर बनाया है तो सारा कुछ, तो ये आप देख रहे हैं कि सारा प्रोग्राम इसका ड्रा होता जा रहा है। तो आपका इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो इसकी पूरी डिटेल है सारी, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे इसको इनपुट करना है। इसके लिए हम प्रोफाइल के ऊपर आ जाते हैं अपनी, आप कोई प्रोफाइल आपके पास है तो उसकी आपने इधर से सबसे पहले उसके एन एस एल देने, इधर एन एस एल जो होंगे ये आपके पास इधर लिखे हुए होने चाहिए जो भी फॉर्मेट के अंदर है। मेरे पास ये इधर ये एन एस एल डेटा मैंने जीरो से लेके और ये बनाए हुए आखिर तक, ये काफ़ी लंबे डेटा है मेरे पास, तकरीबन 6-7 किलोमीटर का डेटा है ये सारा। तो ये पूरा डेटा मेरे पास इधर है, तो आपने इधर से इस फाइल के ऊपर आना है इधर, और ये एन जी एल एलिवेशन है इसके ऊपर आपने इन एलिवेशन को प्लाट कर देना है या लिख लेना है। अगर आपके पास फाइल मौजूद रहेगी तो आपने इधर से इसको कॉपी कर लेना है जस्ट। ये सारे एलिवेशन को आर डीज़ को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आर डीज़ का आपका जितना इंटरवल होगा वो मैं आपके ऊपर बताता हूँ। तो ये आपने इधर इसी तरीके से, ये आप देख रहे हैं 5 किलोमीटर का मेरे पास ये डिस्टेंस है इधर सारा, तो ये मैंने सारे इस एलिवेशन को इधर से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैंने इस फॉर्मेट को ऊपर आना है और इधर राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना, तो ये मेरा डेटा सारा इधर पेस्ट हो जाएगा। तो स्टेशन जो आपने बनाने, वो कैसे बनाने, आपने सबसे पहले ज़ीरो स्टेशन इधर, आपने जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट स्टेशन होगा वो आपने इधर लिखना है। उसके बाद आपके पास जो इंटरवल जा रहे हैं, जो एन एस एल का इंटरवल जा रहे हैं वो आपने इधर लिख देना है। 5 मीटर का जा रहा है तो आपने 5 मीटर लिख देना है, 10 मीटर के हैं तो 10 मीटर लिख देना है, 50 मीटर है तो 50 मीटर लिख देना है, 100 मीटर है तो 100 मीटर लिख देना है। उसके बाद एंड प्रोफाइल का एंड स्टेशन, जो आपके पास प्रोफाइल जा रही है इसका जो ई ओ पी होएगा, ये पॉइंट जो होएगा आपका, इसका आपने इसकी स्टेशन लिखना है, स्टेशन आपने लाजमी लिखना है इसके अंदर। जो भी आपका स्टेशन जा रहा है वो आपने स्टेशन इसके अंदर लिख देना है, इंटरवल आपने प्लॉट कर देना है इसके अंदर। तो ये हमारे पास एन एस एल का फॉर्मेट था हमारे पास इनपुट करने का, ऊपर वाले का थोड़ा मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद ये आप देख रहे हैं वर्टिकल कर्व प्रोफाइल डेटा इनपुट सेक्शन है, इसके अंदर वी पी आई 1 है, आप 1 से लेके और इसको 30 नंबर तक का आप डेटा इसके अंदर दे सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास वर्टिकल कर्व का डेटा मैंने इधर लिखा हुआ है, आप इसको मैन्युअली इधर से इनपुट कर सकते हैं या आपने इसको लिखा हुआ है तो आपने इधर से कॉपी करना है इसी फॉर्मेट के ऊपर, और इधर आने के बाद आपने इसको इधर पेस्ट वैल्यू कर देना। तो ये आपके पास 30 वर्टिकल कर्व्स के हिसाब से ये पूरा डेटा आपके कैलकुलेशन करेगा, पूरा प्रोग्राम बनेगा। ये साइड के ऊपर इसकी कमांड्स लगी हुई है सारा, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने इसको ओपन छोड़ा हुआ है तो आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, करना भी है तो आपने सेव एज करके करना है। तो अभी आपने इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट स्टेशन दे देना है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, जो भी आपके पास स्टार्ट स्टेशन आ रहा है तो आपके पास जो बिगनिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है वो 0-0 आ रही है तो आपने 0-0 दे देना है और साथ उसका एलिवेशन इधर दे देना है। तो ये आपने इधर एलिवेशन इधर 0 है तो 0 दे देना है, और जो भी एलिवेशन आपके पास इधर आ रहा है प्रोफाइल के ऊपर 706.45 तो आपने 706.45 इंटर कर देना है इसके अंदर। ये हमारे पास प्रोफाइल का आ जाएगा। आर डी स्टेशन इंटरवल आपने वैसे दे देने हैं इसके अंदर, जितने आपको डिस्टेंस के ऊपर प्रोफाइल ऑटो कैड के ऊपर बनी हुई चाहिए। जो ये जो आपकी लाइंस देख रहे हैं नीचे आर डीज लगी हुई हैं, ये आर डीज आपने इधर जो भी इंटरवल आप देंगे उसका इंटरवल नीचे इधर
इसकी आरडीज इधर लग जाएंगी और इसके एलिवेशंस वगैरह इधर आ जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने भी इंटरवल के ऊपर आपको ये चाहिए तो आपके पास एनएसएल भी उतने इंटरवल के ऊपर होने चाहिए और प्रोफाइल लेवल भी उतने इंटरवल के ऊपर, वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। जो जिससे आरडी का आप ये देंगे उधर ही वही आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी बनेगा। उसके बाद ये आप देख रहे हैं प्रोफाइल का स्टार्ट स्टेशन, आपने प्रोफाइल का स्टार्ट स्टेशन वही देंगे जो 00 है, मैंने इधर लिख दिया ऊपर 00 है, तो आपने इधर 00 ही देना, जारी बात है जो एनएसएल का स्टार्ट होएगा वही आपका प्रोफाइल का स्टार्ट होएगा। उसके बाद प्रोफाइल का स्टार्ट एलिवेशन आपने दे देना है। हमारे पास प्रोफाइल का जो स्टार्ट एलिवेशन आएगा वो हमारे पास आएगा इधर 706.45, तो इधर आपने दे देना 706.45। इधर जो आपके पास आएगा आपने एनएसएल का एलिवेशन देना है, वो मैं पहले आपको गलती कर गया था, बताया गया था। तो 70 इधर हमारे पास सेम टू सेम ही लेवल दी है मैंने, ये जस्ट एक प्रोफाइल आपको दिखाने के लिए रखी है इधर के भी आपने इसको इस तरीके से करना है। एलिवेशन वगैरह मैंने जनरल इनपुट किया, तो आपने सबसे पहले इधर स्टार्ट स्टेशन, उसके बाद उसी का एनएसएल आपने दे देना है, स्टेशन इंटरवल और प्रोफाइल जिधर तक आप बनाना चाहते हैं उसका अंडर स्टेशन। उसके बाद प्रोफाइल का आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाएंगे, उसी तरह उसका स्टार्ट स्टेशन दे देंगे, उसका एलिवेशन आपने दे देना इस ऊपर वाले टैब के ऊपर। उसके बाद आपने इधर एनएसएल मैंने आपको बताया, आपने इधर मैनुअल लिख देने, जो भी आपका एलिवेशन आ रहा है वो आप मैनुअल लिख सकते हैं, तो आप मैनुअल भी लिख दें इधर। अगर आपके पास प्रोफाइल बनी हुई है तो आपने इधर से प्रोफाइल के ऊपर भी इसको कर देना, जो जो से भी एलिवेशन वगैरह आ रहे हैं सारे, जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मेट है। इसके अंदर आपके पास डेटा है तो आपने इधर कॉपी कर लेना है डेटा वगैरह, इस फॉर्मेट को आपने नहीं छेड़ना आईडी वाले को। इधर आपने जो भी डेटा आपके पास जा रहा है वो आपने डेटा इधर से कॉपी कर लेना है, जो भी हमारे पास आ रहा है इसी तरीके से आपने इसको इधर अपनी ड्राइंग के हिसाब से या अपने लेवल बुक के हिसाब से जो भी आपके पास इसके एनएसएल हैं एनजीएल हैं वो आपने इधर प्लॉट कर देने। तो आपने इसी तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर एलिवेशन अपना मैनुअल लिखना है, जो भी एलिवेशन आपके पास आ रहे हैं। तो ये आप मैं आपके सामने इधर ये प्लाट है, ये इंटर करता जा रहा हूँ, आपने इसी तरीके से इंटर करने, इसके अंदर डेटा आपके पास मौजूद है तो कॉपी करके पेस्ट कर दें, नहीं है तो आपने इधर से इसको मैनुअल लिख लेना है इसको। इसी तरीके से आपने इधर वीपीआई स्टेशन वगैरह जो भी आपके पास आ रहे हैं वर्टिकल क्रफ का, आप ये इधर नंबरिंग दे देनी है आपने, जिधर 30 नंबर हैं इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, या इसको लिखना चाहते हैं ये नंबर 1 से लेके 130 नंबर तक ये हमारे पास नंबर्स हैं इसके। उसके बाद वीपीआई स्टेशन है, आपने ड्राइंग के ऊपर आ जाना है, जो आपके पास फर्स्ट वीपीआई स्टेशन आ रहा है वो आपने उसकी आईडी दे देनी है। हमारे पास 0+800 आ रहा है तो आपने उसकी आईडी दे देनी है 800 की इधर। उसके बाद इसी पॉइंट का एलिवेशन आपने देना है 712.01, तो आपने इधर 712.01 का एलिवेशन दे देना और साथ इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ, वर्टिकल कर्व की लेंथ है हमारे पास 250, तो आपने इधर से इसके अंदर 250 इधर से ऐड कर देनी। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर आपने आ जाना है, ड्राइंग के ऊपर आपने चलना है और जो सी भी आपकी नेक्स्ट वर्टिकल कर्व आ रही है वो आपने दे देनी है 1+450, तो आपने इधर सेकंड नंबर के ऊपर आना है 1+450 और इधर इसी तरीके से उसका एलिवेशन आपने इधर इनपुट कर देना है 2712.37, इधर आपने कर देना 712.37 और इसी तरह इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ 250 वहाँ पर लेंथ है तो आपने इधर से इसकी लेंथ 250 कर देनी है। उसके बाद आपने इधर एंड के ऊपर आ जाना है, एंड जो इधर अगर आपके पास दो वर्टिकल कर्व्स हैं तो आपने ये एंड वाला स्टेशन इधर दे देना है 2+050, तो आपने इधर ये एलिवेशन इसी तरीके से एंड वाले 2+050 वाला एलिवेशन स्टेशन दे देना है। उसके बाद 708.16, तो 706.81 ये आपने इधर इसका दे देना है एलिवेशन और इसी तरीके से इसकी वर्टिकल इसकी लेंथ नहीं है तो आपने इसकी लेंथ ख़त्म कर देनी है। और उसके बाद आपने नीचे सारा डेटा इधर से ख़त्म कर सकते हैं, जिधर जिधर तक जा रहा है आप इसको ख़त्म कर दें तो ये आपकी इसी वर्टिकल कर्व के हिसाब से आ जाएगा। आपने इसका एनएसएल भी इधर तक ही लिखना है और वर्टिकल प्रोफाइल भी आप इधर तक ही लिखेंगे। तो ये आपने डेटा इस तरीके से इनपुट करना है, मैं आपको उसी फॉर्मेट के ऊपर लेकर आ जाता हूँ क्योंकि मैंने इसके एनएसएल वगैरह जो है वो हमने अगर मैंने मैनुअल बनाए इसके तो मैं इस प्रोफाइल के हिसाब से आपको ड्रा करके नहीं बता सकता, हो जाएगी ड्रा उसमें मसले वाली बात नहीं है कोई। तो ये आपने एनएसएल भी इसी तरीके से लिखने हैं और इधर आपने डेटा भी उसी तरीके से लिख लेना है, जो भी डेटा अगर आपके पास मौजूद है तो आपने कॉपी करना है, एलिवेशन उसके एनजीएल वगैरह जो भी है आपने इधर पेस्ट कर देना है पेस्ट एज ए वैल्यू, और ये भी डेटा आपके पास इसी फॉर्मेट के अंदर मौजूद है तो आप इसको इधर से मैनुअल भी लिख सकते हैं, उसको इधर पेस्ट कर सकते हैं, बस आपने और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने इधर ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है, इधर से ऑटो कैड को मैं इधर से क्लोज करता हूँ और इधर मैंने आपको दो लिप्स कमांड्स दी हुई हैं, इधर से आपने इसको ओपन कर लेना है
और लिप्स कमांड आपने एपी की कमांड ले लेनी है, एपी एप्लीकेशन लोड, इसको आना है नीचे आपने इधर वेरिफिकेशन वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है। ये इधर मेरे पास लोड हुई हुई है, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको और दोबारा ऐड कर देता हूँ। तो ये एनजीएल और वीपी के नाम से दो लिप्स कमांड है, इसको आपने इधर अपने ऑटो कैड के ऊपर इधर लोड कर लेना है, क्लोज करना है, जैसे आपने इसको क्लोज कर देना है और ये विंडो आपने ऑटो कैड को पूरा क्लोज कर देना है। पूरा क्लोज करेंगे आप और दोबारा अपने ऑटो कैड को आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इधर लिप्स लोड हो जाएंगी। आपने जैसे इधर ऐसे लोड कर लेना, आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा। मैंने चूंकि पहले इसको अपलोड किया हुआ था तो मेरे पास मैसेज नहीं आया। उसके बाद आपने इधर से ये डेटा इनपुट कर लेना है और ये प्रेस, तो इसके बाद आपने एक्सेल के ऊपर आ जाना है, इधर से आपने डेटा इनपुट करना है। ये मैंने 10 पी आई इसका डेटा तक रखा हुआ है, 2+500 है, इधर से भी मैंने 2+500 मैंने इसका एंड स्टेशन इधर कर देना, जो भी प्रोफाइल का मेरे पास एंड आ रहा होगा एनएसएल का भी एंड, उधर तक कि हमारे पास उसके एलिवेशन आ जाएंगे। एलिवेशन मैंने तो ज़्यादा लिखे हुए हैं, ये मैं आगे आपको मजीद प्लाट करके बताऊँगा। तो इसके बाद आपने इधर से जस्ट प्लाट करना है, प्रेस एंड प्लाट टू कैट, तो आपने उसको इधर से प्रेस करना है, एक दफ़ा कर लें, दो दफ़ा कर लें, इसका कोई इशू नहीं आएगा। आप उसको प्रेस कर लें और ऑटो कैड के ऊपर आना है और इधर से आपने कमांड बार के ऊपर आना है, उसको पेस्ट कर देना है। तो अभी आप देखेंगे आपकी वन क्लिक के जरिए पूरी प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिकली ऑटो कैड के ऊपर ड्रा होना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर इसके सबसे पहले ग्रेड बनेंगे, उसके एलिवेशन एनएसएल के आईडी आ जाएंगी, उसके बाद आपके पास इसी तरीके से ऊपर उसकी प्रोफाइल की लाइन और उसके वर्टिकल कर्व्स और उसके एलिवेशन वगैरह सारे ड्रा हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि पूरी लाइन हमारे पास इधर लग गई है, 10 कर्व्स तक का ये हमने डेटा दिया हुआ था। तो इसी तरीके से आप ये 10 कर्व तक का आप इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कम डेटा है, 7 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। ये एंड आईडी मेरे पास है 1+500, तो मैंने 1+500 इधर से इनपुट कर देना है एनएसएल वगैरह उसी हिसाब में। तो आपने प्रेस ऑटो कैड करना है, उधर से मैं न्यू विंडो के ऊपर इधर से क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ और कमांड बार में आने के बाद आपने इसको इधर से पेस्ट कर देना। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास 7 हमने वर्टिकल कर्व्स का डेटा दिया, तो ये 7 तक का ही प्लाट होएगा और पूरा उसके हिसाब से बनेगा। तो उसके अंदर आपने इसी तरीके से इसकी जितनी जितनी लेंथ आपकी वर्टिकल कर्व्स वगैरह की आ रही है सारा कुछ, तो ये प्रोफाइल वगैरह सारी उसी तरीके से बन सकती है। तो कम से कम आपने इसका डेटा 3 वर्टिकल कर्व्स तक का आपने इसका देना है, जो भी वर्टिकल कर्व्स आ रही होगी उसका डेटा आपने इधर से देना है। मिनिमम 3 वर्टिकल कर्व्स का डेटा आप देंगे, उसके बाद प्लाट टू ऑटो कैड आप प्रेस करते जाएंगे और जैसे न्यू विंडो जो भी मैं खोल लेता हूँ इधर, और इधर मैं इधर आपको प्लाट करके बताता हूँ। तो आप देखेंगे ये आपका वो 3 कर्व जो हमने दी थी उसके उधर तक की ये इसने प्लाट किया है सारा कुछ। तो ये आपने डेटा इसी तरीके से इसको इनपुट कर देना है और इसको बना लेना है। ये अभी आप देख रहे हैं छोटी प्रोफाइल होगी, इसी तरीके से ये मेरे पास स्टेशन इंटरवेल है, मैं इसका इंटरवेल इधर से 10 मीटर कर देता हूँ। तो ये अभी मेरे पास जो प्रोफाइल होगी वो 10 मीटर इंटरवेल के ऊपर प्लाट होगी। तो प्रेस एंड प्लाट कर देना है और इधर से आपने ऑटो कैड के ऊपर दोबारा आ जाना है, न्यू विंडो के ऊपर आपने आना है, उधर से आपने प्लाट करना है। तो अभी आप देखेंगे पहले हमारे पास जो सेक्शन थे वो हमारे पास 50 मीटर पर प्लाट हो रहे थे और आगे इसके पूरा डिस्टेंस इधर से इसका शॉर्ट हो गया सारा और ये 10 मीटर के ऊपर अभी हमारी प्रोफाइल इधर से ड्रा हो रही है। तो ये बहुत यूज़फुल प्रोग्राम है, आप इसको खुद बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी पूरी वर्टिकल कर्व एनएसएल समेत उसके एलिवेशन और सारा कुछ इधर आपका ड्रा हो जाएगा, जितना जितनी आपके पास वर्टिकल कर्व्स का डेटा है। तो ये 30 पॉइंट का मेरे पास इधर डेटा आएगा सारा, ये 30 पॉइंट तक काम करेगा। इधर ये मैंने डेटा रखा हुआ है, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ पूरे डेटा को कंप्लीट, 30 मीटर जो 30 कर्व है इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास डेटा जितना है आप इसको कर सकते हैं, उसके बाद पेस्ट एज ए वैल्यू करना है। वैल्यू करने के बाद एंड पॉइंट मेरे पास आ गया 7+500 का, तो आपने इधर से 7+500 दे देना है और इसका मैं इंटरवल इधर से 100 मीटर कर देता हूँ ताकि थोड़ा खुला खुला हमारा बन जाए। तो ये आपने इधर इसी तरीके से इंटरवल्स वगैरह एडजस्ट कर देने हैं, उसके बाद प्लाट टू कैड वाले बटन को आपने प्रेस करना है और इधर ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है। जितना बड़ा आपका डेटा होगा ज़ाहिर बात है प्रोफाइल आपकी उतनी बड़ी बनेगी, आपने इसका लेआउट के अंदर जाके उसका व्यू वगैरह आप सेट कर सकते हैं और उसको आप इसका प्रिंट व्यू के अंदर इसको लेकर आ सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 7+500 तक की ये हमारे पास प्रोफाइल थी, तो ये 7+500 तक का पूरा डेटा लगेगा। इसके अंदर हमने इंटरवल जो अपना 100 मीटर का रखा है, इसके बाद ऊपर आपके पास वर्टिकल लाइंस आपकी ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएंगी, वर्टिकल कर्व्स का ऊपर डेटा आ जाएगा सारा, उसके ग्रेड आ जाएंगे और नीचे उसके एलिवेशन वगैरह सारे आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसकी मैनुअल सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इधर से उसको अपने मर्जी के हिसाब से आप इसको
मूव करा लें और जिधर आपके पास इधर रखना है आप इसको इधर रखें और कर्व इसके अंदर अपने प्रोफाइल के अंदर, और इसके बाद आपने जैसे रेक्टेंगुलर एक जैसे आप ट्रिम की कमांड लेके ये सारी लेंस वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। अपनी वर्टिकल कर्व को अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसके प्लेस कर सकते हैं, इसी तरह ग्रेड्स को भी कर सकते हैं और इसके एलिवेशन वगैरह को भी आप इसके चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट साइज वगैरह जो कुछ भी, तो आप इसकी विंडो इधर से क्लिक करके सारा जो भी है तो आपने जैसे प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएँ। जैसे आप इसका स्केल वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप टेक्स्ट की लाइन में टेक्स्ट में आ रहे हैं और नीचे आपके पास इधर इसकी हाइट आ रही होगी, आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी हाइट इधर आप बढ़ जाएगी, कम करना चाहेंगे तो आपकी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह मैनुअल भी कर सकते हैं पूरी प्रोफाइल्स की। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत यूज़फुल वीडियो। इसका फाइल का लिंक, एक्सेल की फाइल का लिंक और लिप्स कमांड, ये फोल्डर आपके सामने इधर बना हुआ है, चारों किस्म के जो प्लान है ये पूरा आपके सामने इधर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, जिसकी मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आके अपनी प्रोफाइल को अपनी मर्जी के हिसाब से जिधर जिधर बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं और पूरा अपनी काम में इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।